methods of development of critical thinking there are multiple methods to develop critical thinking and uh, instructor can and parents can uh, use any method to develop critical thinking basically critical thinking uh, is always developed through a process there is no single method to create critical thinking but when the child will go through uh, a process of critical thinking then the critical thinking will be easily created और ये कोई बाय बर्थ जो है वो उस तरह की ट्रेड नहीं है कि जिसको ले के आते हैं इंटेलिजेंस के साथ लेकिन ये सिस्टमेटिक प्रोसेस जो क्रिटिकल थिंकिंग का है जब हम उससे गुजरते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलप होने की जो चांसेस और स्पीड है वो बढ़ जाती है अब नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यू आर एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन वट यू नीड टू एक्सप्लेन एनी सिचुएशन टू एक्सप्लेन एनी इवेंट तो पहला चीज़ यह है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए मल्टीपल साइट्स और मल्टीपल बुक्स जो हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बाद डील विद योर बाइसिस बाइसिस कि आपने किसी एक शख्स के बारे में ओपिनियन जो है वो एक नहीं बनानी जब अक्सर जो मेरा एक्सपोयर और मेरी एक्सपीरियंसेस और रिसर्च कहती हैं कि हम इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्रिएचर uh, है आप उसको एक दो मीटिंग्स में नहीं अंडरस्टैंड कर सकते और हालात के साथ साथ उसके तब्दीली भी आती है उसके बिहेवियर में भी उसकी जहन में भी तो लॉन्ग इंट्रैक्शन के बाद भी बाज़ात एक इंसान आपको धोखा दे के जा सकता है तो हम कहते हैं ये हमारे साथ क्या हुआ इसका मतलब ये है कि डील विद योर बाइसिस कि आप अपनी एनक से सारी दुनिया को नहीं देख सकते आपको उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी लोगों की लेनी चाहिए और फ्लैक्सीबल रहना चाहिए किसी के बारे में भी ओपिनियन बनाने के लिए उसके बाद कंसिडर द कन्सिक्वेंसिस ऑफ़ योर ऑप्शनस कि अगर मैं ये बिज़नेस शुरू करने लगा और मेरे पास इतने पैसे हैं मिसाल के तौर तो पे तो इन पैसे अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर मेरे पास और ऑप्शंस क्या होंगी अगर मैं ये जो बदला लेने लगा हूँ इस शख़्स से उसके बदला लेने से मेरे ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे तो जब आप कॉन्सिक्वेंस देख के अपना कोई काम करते हैं तो हमेशा समझ लीजिए कि आपने उसको लॉजिकली वाइजली जो है वो प्लान किया उसके कॉन्सिक्वेंस को जेन में रखा जिसकी वजह से जो है वो आप का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये नहीं होता कि बस जो जहन में आया कर गुजरो और ये ना सोचो कि इसके आउटर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके क्या होंगे तो उन सारी चीज़ों को सोचने का नाम जो है जब आप इस तरीके से अपने आप को इस प्रोसेस से गुजारते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स आप क्रॉस कर रहे हैं डू योर रिसर्च अपनी रिसर्च खुद करें अपनी ओपिनियन बनाने के लिए आपको खुद मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी चाहिए उसके बाद एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर नॉट ऑलवेज राइट यू शुड बी फ्लैक्सीबल फेयर माइंडेड कि हाँ हर वक्त आपकी ओपिनियन ठीक नहीं है जो दूसरा कह रहा था आप उसकी ओपिनियन को गौर करें उसको एनालाइज़ करें और देखें कि वो वाकई ठीक कह रहा था आपकी गलती थी इस मामले में यू शुड से सॉरी तो जब आप अपने आप को इस तरह से एनालाइज़ करते हैं ये भी एक क्रिटिकल थिंकर का काम है कि वाइजली उसने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया उसके बाद उसने एक कंक्लूजन बनाया डोंट ओवर कॉम्प्लीकेट थिंग्स चीज़ों को आसान रहने दें क्लैरिटी जब तक नहीं होगी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो सकती चीज़ों को मुश्किल स्टेप्स में मत डिवाइड करें हाँ एक डिफ़िकल्टी uh, लेवल एक स्किल के बाद दूसरा आ सकता है लेकिन क्लैरिटी होती है तो लोग सीखते हैं आपकी बात किसी को समझ ही नहीं आ रही वो उनके सर के ऊपर से गुजर गई है तो उसने उसके ऊपर क्या थिंकिंग करना है क्रिटिकल थिंकिंग तो डीप थिंकिंग का नाम है ना एनालिटिकल और एवेलुएटिव स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं इसलिए यू शुड ऑलवेज मेक क्लैरिटी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लैरिटी का क्या मतलब है मैं आपसे पूछूँ आप आज कहाँ आप कल कहाँ गए हुए थे आपने कहा जी मैं लाहौर गया हुआ था मैं अगला सवाल पूछूँ आप लाहौर क्या करने गए हुए थे तो आप कहेंगे जी मुझे बिज़नेस मेरा टूअर था और मेरा इस तरह मेरी मीटिंग थी मेरा इंटरव्यू था मैं इसलिए गया हुआ था अगर आप कहें कि मैं लाहौर इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू देने के लिए फ्लांग कंपनी में गया था तो ये आपका एक क्लियर एकट आंसर है सिर्फ लाहौर गया था आपका क्लियर आंसर नहीं है क्लियर तो होगा लेकिन उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है तो दिस इज कॉल्ड यू नो द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग